हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6th to 12th का सिलेबस करवाऊंगी, और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ, और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे 6th to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पोल्यूशन टॉपिक चल रहा है, प्रदूषण चल रहा है, हमारा एयर पोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वायु पोल्यूशन जिसको हम बोल रहे हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पोल्यूशन के ही नेक्स्ट टाइप को पढ़ने वाले हैं। कौन सा? वाटर पोल्यूशन। ठीक है, जल प्रदूषण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जल का जो प्रदूषण है वो कैसे होता है। ठीक है, तो अभी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से जल जो है अब वो प्रदूषित होता है। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमने बोला पोल्यूशन, तो इस पोल्यूशन का मतलब पता होना चाहिए क्या है, जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि क्या मिल गए, अवांछनीय पदार्थ मिल गए, अनावश्यक पदार्थ मिल गए, और एनवायरमेंट के अंदर क्या करना कर दिया, उसको प्रदूषित करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसको दूषित करना स्टार्ट करें तो वो क्या होता है, वो पोल्यूशन होता है। ठीक है, हमने बोला वाटर पोल्यूशन, जब जल के अंदर वो अपशिष्ट पदार्थ मिल गए, जल को नुकसान पहुंचाने लग गए, उसको दूषित कर दिया, उसको गंदा कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, डेफिनेशन देखें हम इसके, जल में क्या मिल जाना, अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना, क्या होता है, जल प्रदूषण। जल में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना क्या हो गया, जल प्रदूषण हो गया। तो ये तो क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा है। जैसे आपसे पूछा जाता है ना जनरली इस चीज के बारे में कि ये जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या होता है, हमने क्या बोला, प्रदूषण बोला, उसके अंदर वायु प्रदूषण बोला, वो पढ़ा हमने, तो डेफिनेशन जो है ना आप इसकी इस चीज से इजिली याद रख सकते हो, तो अब आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो है वो पता चल गई आपको कि हम वाटर पोल्यूशन किसको बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या, बहुत सारे कारणों से होता है, करते हम ही हैं, हम क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। जो पानी एन में, देखिए बार बार वो चीज़ बोलने की जरूरत भी नहीं चाहिए, एनवायरमेंट के अंदर जल वायु आदता वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसलिए एनवायरमेंट का यूज ले, तो अब ये मत सोचा कीजिए कि जल प्रदूषण पर आ रहे और एनवायरमेंट का नाम ले दो, इसीलिए क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, उसी के तो कंपोनेंट्स ही। अब देखिए जल प्रदूषण की बात करते, जल प्रदूषण जो है, वाटर पोल्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा, ये भी तो पता होना चाहिए। हम ऐसा बोल रहे हैं कि क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है, वही क्या है, जल प्रदूषण है, जल का गंदा होना, जल का दूषित होना। तो अब हमने देखना है कि वो किस तरीके से होता है, होता है तो मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। अब देखिए देख रहे हैं हम क्या इसके कारण, इसके किस किस कारण से होता है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट का क्या मतलब है, उद्योगों से निकलने वाले अनावश्यक पदार्थ क्या होते हैं, वही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, हमने बोला उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, बोला पहला औद्योगिक अपशिष्ट, जिसका क्या ध्यान रखना है हमको, जिसका ध्यान रखना है कि उससे निकलने वाले जो अनावश्यक पदार्थ है वो, अब देखिए उससे क्या निकलता है, गंदा जल निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उससे निकलने वाले अनावश्यक पदार्थ क्या होगी, अपशिष्ट पदार्थ होगी। दूसरी चीज, उससे क्या निकल रहा है, गंदा जल निकल रहा है। आप खुद एक बात बताइए कि जो गंदा पानी है उसको बाहर छोड़ दिया गया है,
उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, उस पानी को बाहर छोड़ दिया गया तो क्या वो पानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? वो पानी है, उसके अंदर गंदगी है, उसको बाहर छोड़ दिया गया, जीव जंतु जो खुले घूमते हैं, जो पशु हैं, वो पियेंगे उस पानी को, क्या पहुंचेगा? नुकसान पहुंचेगा। तो ये पहला रीजन क्या हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले अनावश्यक पदार्थ होंगे सो सीवेज टाइप, उनको बाहर क्या छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया गया, गंदगी जो गंदा पानी जो था उसको बाहर छोड़ा। अब वो पानी क्या, मतलब इसी तरीके से नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है और नदियों के अंदर ही मिलता हुआ वो समुद्र के अंदर फिर क्या होता है, वो पूरे पानी को गंदा करता है। तो वो चीज़ किसके अंदर आती है, वो चीज़ वाटर पोल्यूशन में आती है, वो चीज़ जल प्रदूषण में आती है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है ना वो किस तरीके से होती है, वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए इसके अंदर ये क्या हो गया, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उससे निकलेंगे अनावश्यक पदार्थ होंगे जिनका यूज नहीं होगा, बस एनवायरनमेंट को क्या, मेनली किसको, वाटर को क्या पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाएंगे। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या बोला, गंदा पानी होगा सीवेज, अब उस पानी के अंदर ऑलरेडी गंदगी जाएगा तो गंदा करेगा, समझ गया आप ये चीज़। नेक्स्ट चीज इसके अंदर क्या आती है, देखिए जल है, ठीक है, आप क्या घरेलू गंदगी जो होती है, घरेलू अपशिष्ट जो होते हैं, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे देखिए आप घर में जैसे कुछ भी सब्जी वगैरह धोना, कपड़े धोना, तो कुछ भी तरीके का पानी यूज करके क्या कर देते हो आप उस पानी को खुले में फेंक देते हो, ठीक है। आप भी क्या करो, आप खुद देखिए जब वो गंदा पानी कैसे नालियों के अंदर जाएगा, नालियों से बड़े नालों के अंदर जाएगा, नालों से फिर नदियों के अंदर जाएगा, नदियों से समुद्र में जाएगा, पॉल्यूशन तो हुआ ना उसके अंदर जब आपने गंदगी डाली, तो घर के वेस्ट प्रोडक्ट डाले तो पानी के अंदर। और जनरली गाँव में तो यही होता है कि आसपास नदियां होती हैं, जो भी कचरा है ना उस कचरे को पानी के अंदर फेंक दिया, तो ये चीज़ जो है क्या करती है, जल को प्रदूषित करती है। तो फ्रेंड्स आपको आ रहा है समझ में, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ गया, अगर कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी आपका हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की। और आपको ओवरऑल मेरा वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए आप वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। सो आप वीडियोज़ को व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप इंटरनेट पढ़ाई की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको टॉपिक टू टॉपिक, चैप्टर टू चैप्टर पूरा जो सिलेबस है ना वो मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें, जैसे न्यू वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। ये बात हो गई, नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रोसेस है वो कैसे कैसे होगी आपको आया समझ में। ये मैंने दो ही बताए घरेलू अपशिष्ट, ये मुख्य रूप से सबसे बड़ा, अगर बोले सबसे बड़ी जो जल को प्रदूषण करने के कारक हैं, सबसे बड़ी जो गंदगी है वो कौन फैलाता है, वो यही फैलाते हैं, ठीक है। घर के वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ फेंक दिए हमने, खुले में फेंक दिया, पानी जा रहा है उस पानी के अंदर फेंक दिए, तो वो क्या हो गया, वो जल प्रदूषित हो गया। या फिर कहीं पर भी जो पानी कटा वहीं पर क्या कपड़े धोने लग गए, पशु हैं उनको पानी गए। अब आप खुद देखिए ये जो गंदा पानी निकला, कहीं पे कचरा वचरा फेंक दिया, इस कारण से क्या होता है, जब वो जीव पिएंगे उस पानी को उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इन गंदगी के कारण जो पानी के अंदर अशुद्धियां मिल रही है ना उसको क्या बोल रहे हैं, उसको पोल्यूशन बोल रहे हैं। घरेलू गंदगी के कारण जो अशुद्धियां मिल, उसको क्या बोल रहे हैं हम उसको प्रदूषण बोल रहे हैं। कौन सा, जल प्रदूषण उन्हीं अपशिष्टों के कारण तो हम कर रहे हैं, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हो गया, दूसरी चीज क्या, जो केमिकल्स होते हैं, रसायन जो होते हैं वो कैसे पोल्यूशन करते हैं, देखिए फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं, उन फैक्ट्रियों से क्या निकलता है, उन फैक्ट्रियों से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स, उन फैक्ट्रियों से हानिकारक रसायन जिनको हम बोलते हैं ना, वो हानिकारक रसायन बोलते हैं, उन्होंने भी क्या किया, जो भी केमिकल्स निकले ना फैक्ट्री वगैरह से उन्होंने खुले में छोड़ दिया, उनको जो सीवेज वाटर टाइप छोड़ा था तो वो गंदगी जो छोड़ी थी इसके कारण क्या हो गया, जल प्रदूषित हो गया, ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला, फैक्ट्रियों से क्या निकला, उनसे केमिकल्स निकल रहे हैं जहरीले, अब वो केमिकल्स छोड़ दिए नदी के पास में है, वहीं पर खुले पानी में छोड़ दिए, तो क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है,
उन केमिकल्स के कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है। दूसरी चीज आपको पता है, गांव वगैरह में जैसे जो तालाब वगैरह होते हैं, जलाशय, उनके अंदर क्या छोड़ दिया, तालाबों के अंदर उनके अंदर पशुओं को छोड़ दिया जाता है, किसके अंदर, तालाबों के अंदर। तालाबों में किन को छोड़ दिया, पशुओं को, उनको खुला तैरने के लिए, नहाने के लिए पशुओं को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जब उनको छोड़ दिया तो क्या करेंगे, उसी के अंदर क्या वो गंदगी करेंगे, उनके जो मल मूत्र हैं वो सारा उसी पानी के अंदर जाएगा, तो वो पानी पर होगा पोल्यूशन। तो ये आया आपको समझ में, तो इसके कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। क्या होता है, जल का प्रदूषण होता है। कैसे होता है, बताया मैंने आपको कि जो पशु हैं उनको क्या छोड़ दिया, पानी के अंदर खुला छोड़ दिया, सभी जीव उस पानी, जो पशु हैं वो पानी के अंदर तैर रहे हैं, वहीं पे वो गंदगी कर रहे हैं, तो वो पानी खराब हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, जो जल के अंदर मेनली प्रदूषण होता है, गंदगी कारखानों से जो पानी निकल रहा है, उनसे जो केमिकल्स निकल रहे हैं, हम जो घरेलू अपशिष्ट बाहर फेंक रहे हैं, तो उनके कारण क्या होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको नुकसान पहुंचता है, उसको हानि पहुंचती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये पढ़ेंगे हम, बट उससे पहले क्या, देखिए इस चीज़ का तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस है इसके अंदर वो कैसे कैसे होती है, किस किस तरीके से होती है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना उसकी बात हम करते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका आज का क्वेश्चन क्या होगा, फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे। देखिए, हमें से बोलते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर इस तरीके से प्रोसेस होती है, ऐसे ऐसे हमारी जो बॉडी होती है उसको इफेक्ट पहुँचता है, उसको नुकसान पहुँचता है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, देखिए आपको ये बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर क्रियाएँ होती है बहुत सारी, तो जो हमारा आमाशय होता है उस आमाशय के अंदर एक एसिड पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है, जो मेनली क्या हमें एसिडिटी हो जाती है ना, तो उस एसिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले हम सिर्फ इसका जनरल चीज़ें जो है ना वो देख रहे हैं। हमने बोला वेस्ट प्रोडक्ट्स के कारण है, सीवेज, गंदा जल है, जो जंतु हैं उनके कारण, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अभी इसके कारण अगर हम देखें ना, तो आप खुद देखिए क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम जनरल चीज़ें देखें तो क्या होता है, जीव बीमार पड़ते हैं, के अंदर होती है उनके अंदर बीमारियाँ होती हैं, जीव के अंदर क्या हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ। आपको बताइए, गंदा पानी है, गंदा पानी आप पियोगे तो सीधी सी बात है बीमार होगे, केमिकल मिले हुए हैं पानी में, उस पानी को आपने क्या क्या, उसको कुछ नहीं कर सकते उस पानी का, क्या आप उसको क्या एक तरीके से देखें, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले हैं ना, इनको बिना ट्रीटमेंट किए क्या किया जाता है, इनको खुले में छोड़ दिया जाता है, बिना ट्रीटमेंट किए खुले में छोड़ दिया, पॉल्यूशन होगा ना। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इफेक्ट करते हैं हमारे सांस के साथ में। जब हम जैसे सांस के साथ में वायु गंदी अंदर जाती है, तो क्या होता है, हमारे सांस को नुकसान, जिससे हमारे जो ऑर्गन्स है उसको नुकसान पहुंचता है, बॉडी डैमेज होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब गंदा जल बॉडी के अंदर जाएगा तो भी जल को, जो जब गंदा जल गया है तो बॉडी को नुकसान होगा, सीधी सी बात है, जल नुकसान होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो किस किस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन आपका हो चुका है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि जल का जो प्रदूषण है वो किस किस तरीके से होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, जल प्रदूषण, जल के अंदर अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। किस तरीके से होगा, मुख्य चीज़ें औद्योगिक अपशिष्ट हो गए, और जो उससे कारखानों से औद्योगिक अपशिष्ट मतलब घरेलू चीज़ें जो हैं वो निकल रही हैं, दो से हो गए। घरेलू चीज़ें कौन से हो गई, आप वेस्ट प्रोडक्ट पानी के अंदर फेंक रहे हो, जो गंदगी पानी के अंदर फेंक रहे हो, पानी को गंदा कर रहे हो, घर की उत्सर्जी पदार्थ हैं, उद्योग वगैरह हैं, उद्योगों से निकलने वाली चीज़ें फेंक रहे हो, तो एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, जल का प्रदूषण होगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, वो एसिड का नाम कौन सा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा, और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज़
सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज, और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको इंटरनेट पढ़ाई डॉट कॉम पर पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।